महाराज, जो बुढ़ापो देखो देवयानी बोली है। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन हो? राजा बोली मैं आपका पति हूँ। देवयानी बोली बुढ़ापो आएगा तो मैं शर्मनाई आ रही। बोले मैं सौगंध खाता हूँ, आपका पति हूँ। बोले ये महाराज तुम्हारी तो दशा बिगड़ गई। बोले हाँ, आपके पिता ने श्राप दे दिया। जो काग श्राप दे दिया। देवयानी शुक्राचार्य के पास में पहुंची और बोली बाबुल मेरे पति जैसे पहले थे ना वैसे ही कर दो। शुक्राचार्य बोले हमारी तो घर की खेती है, जब मन करो तब जवान, जब मन करो तब बुढ़ापा। अरे इनका कोई हेतु नातेदार रिश्तेदार ने जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो फिर से जवानी आ सकती है। सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने कहा है कि पिताजी आपसे लड़कपन मिला, आपसे जवानी, तो ये जवानी किस काम की, आप ले लो। राजा ने कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत किया और उसके बाद में जवानी दे दी और बुढ़ापा ले लिया। भगवान का भजन करने के लिए चले गए। कुछ कुछ माताएं आती है पाए तो ना छुती, फोटो लगी लेकिन पाए ना, छादी में हाथ पड़ी गो या आंखें न पड़ी हो, आंखें छुई तो हाथ पहुंच रही, पैरन तक हाथ ना पहुंच तो। महाराज भगवान का भजन करने के लिए चले गए। दो मिनट भगवान का पावन नाम, उसके बाद में बड़ी पावन कथा आ रही है। भगवान की मैया देव की भोज राज कंस के उपद्रव और किस तरीके से विदा करते हैं।